अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। एन हदीस अवामुन नास की तरफ से एक अकली एतराज़ होता था कि अल्लाह अगर अल्लाह अज़्ज़ा वजल अगर हर जगह मौजूद हैं अला याज़ु बिल्ला सुम्मा माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह नकल कुफ्र कुफ्र बाशद अला याज़ु बिल्ला लेटरीन में भी है, अल्लाह हर जगह मौजूद है तो हमारी कुर्सी चेयर चारपाइयों के नीचे भी है। मौलाना मोहम्मद इलियास गुमन हफिज़ाउल्लाह ताला ने बहुत ही कीमती जुमला दिया। उन्होंने फरमाया कि एक शख्स ने सवाल किया, यही सवाल, तो मौलाना ने कहा कि आप हाफिज़ कुरान हैं? कहा कि हाँ। कहा कि मोहतरम, जब आप लेटरीन में जाते हैं सीना फाड़ कर कुरान पाक को बाहर रख के अलमारी में फिर जाते हैं? कहा कि नहीं, कुरान पाक मौजूद है लेकिन जिस्म से पाक मौजूद है। कहा कि हम फिर कब कहते हैं कि जिस्म के साथ अल्लाह हर जगह मौजूद है? तो बात सीधी सी है, इंसान समझता नहीं। इंसान ला इल्मी की वजह से किसी पर एतराज़ करता है, वरना मसला तो मौलाना ने हल फरमा दिया है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हर जगह हर किसी के साथ कैसे मौजूद हैं। तो अल्लाह पाक हमें समझ अता फरमाए। ये मसाइल उलमा के दरमियान ज़ेरे बहस रहने चाहिए थे, क्योंकि अवामुन नास तो दुनियावी मामले में भी ज़ीरो है तो दीन के मामले में तो फिर भी डबल ज़ीरो है। अल्लाह पाक हमें दीन समझने की तौफीक अता फरमाए, उलमा के साथ वाबस्ता रखें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।